हरसिमरत कौर बादल ने कांग्रेस ਤੇ ਆਪ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੋ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਪ ਤੇ ਹਮਲਾ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 1947 ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, सिर्फ श्रोमणी अकाली दल ही पंजाब अते पंजाबियों लिए फैसले भी पंजाब ही करती है जिसे लिए गैर पंजाबी कोई फैसला नहीं करते। जिहड़े शब्दी हमले किए गए हरसिमरत कौर बादल वालों भी कांग्रेस अते आम आदमी पार्टी से वड्डा हमला किया गया है। उन्होंने इस मामले से कहा कि दोहां पार्टियों में पंजाब का मुख्यमंत्री गैर पंजाबियों वालों चुनिया जा रहा है जिसनों लैके उन्होंने सवाल चुके। नाल ही उन्होंने सवाल पूछा कि 1947 मिली आजादी पंजाब नूं सचमुच आजादी मिल गई सी। इस बाबत उन्होंने कहा कि सिर्फ श्रोमणी अकाली दल ही पंजाब अते पंजाबियों लिए फैसले भी पंजाब ही करती है, कांग्रेस अते आम आदमी पार्टी वांग गैर पंजाबी इस तरह कोई फैसला नहीं करते। इस बाबत हरसिमरत कौर बादल ने ट्वीट करते हुए लिखा है, आम आदमी पार्टी दे पंजाब ले सिख मुख्यमंत्री चेहरे का फैसला भी पंजाब तो बाहर ले गैर पंजाबियों हथ अते पंजाब दे कांग्रेसी मुख्यमंत्री दे चेहरे का फैसला भी कि 1947 विच पंजाब नूं सचमुच आजादी मिल गई सी। सिर्फ निडर पंथक जथेबंदी श्रोमणी अकाली दल ही पंजाब की अपनी खेतरी पार्टी है जिहड़ी पंजाब अते पंजाबियों लिए फैसले भी पंजाब ही करती है।